प्रेरणा कथा महज 4 वर्ष। एक राज्य का राजा बहुत ही युवा था। वो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता था। अपनी इसी आदत के कारण उसको बहुत कम उम्र में ही बहुत ज्ञान हो गया था। उसने औरों से सीख सीख कर अपने ज्ञान और अनुभव में बहुत वृद्धि कर ली थी। वो हमेशा ही लोगों से प्रश्न पूछता रहता था। एक दिन वो राजा अपना भेष बदल कर अपने महल से बाहर निकल गया। वो चलते चलते दूर निकल गया। एक स्थान पर उसकी मुलाकात एक किसान से हो गई। उस बूढ़े किसान के बाल सफ़ेद हो चुके थे, परंतु उसके शरीर में अभी भी जवानों जैसी ही शक्ति थी। वो बूढ़ा किसान युवा लोगों की तरह सोचता और काम करता था। राजा के मन में उत्सुकता जागी और उसने उस बूढ़े किसान से कहा, मान्यवर, आप कितने बरस के होंगे? उस बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर उस भेष बदले हुए राजा को देखा और कहा, मेरी उम्र तो महज 4 बरस की है। राजा ने सोचा कि शायद वो बूढ़ा मजाक कर रहा है। राजा भी मुस्कुरा दिया, परंतु उसने फिर से कहा, नहीं मान्यवर, सच में बताइए आपकी उम्र कितनी है। बूढ़े किसान ने फिर से कहा, मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरी उम्र सिर्फ 4 बरस है। इस बार राजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि उस बूढ़े को बता देना चाहिए कि वो उस राज्य का राजा था और उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। परंतु राजा को अपने गुरुजी का कथन याद आ गया। क्रोध और उत्तेजना व्यक्ति के शत्रु होते हैं। क्रोध और उत्तेजना के कारण व्यक्ति कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। राजा का क्रोध ठंडा हो गया और उसने फिर से उस बूढ़े व्यक्ति से विनम्रता से पूछा, आप मेरे पिता समान हैं, आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और आपका शरीर भी बूढ़ा हो चुका है। मेरे विचार में आपकी उम्र 80 बरस से कम तो नहीं होनी चाहिए, परंतु आप अपनी उम्र सिर्फ 4 बरस ही बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बूढ़े किसान ने इस बार गंभीर स्वर में कहा, आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया है। मेरी उम्र 80 बरस ही है, परंतु मैंने अपनी ज़िंदगी के 76 बरस सिर्फ धन कमाने, परिवार पालने और बच्चों की शादियां करने में ही व्यर्थ कर दिए। खाना और जीवित रहना तो कोई पशु भी करता है, मैं उस जीवन को जीवन नहीं मानता। पिछले 4 वर्षों से ही मैं अपना समय ध्यान, पूजा पाठ, लोगों की सेवा और अच्छे कामों में लगाता आया हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी उम्र सिर्फ 4 बरस है। राजा उस बूढ़े की बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ और वो राजमहल लौट गया, परंतु इस बार वो एक परिवर्तित इंसान था। राजा ने अपने सभी शाही ठाट छोड़ दिए और एक सादा जीवन बिताने लगा और अपना अधिकांश समय लोगों की सेवा में व्यतीत करने लगा। मित्रों, काम करना, कमाना, खाना पीना, परिवार बढ़ाना, धन और संपत्ति संकलित करना तो सभी करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना जीवन औरों की सेवा, अध्यात्म, परोपकार और ज्ञान की वृद्धि में लगा देते हैं। अब आप खुद ही निश्चित कीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।